बड़ी बेटी लेफ्टिनेंट कर्नल है वो इस टाइम मिलिट्री हॉस्पिटल लांस डाउन में है जी। और बेटा है वो लेफ्टिनेंट कर्नल है एंड वो अभी जो है जनरल स्टाफ अफसर ग्रेड वन है एटी इन्फेंट्री ब्रिगेड में अखनूर में जी। जे एंड के में जम्मू कश्मीर में छोटी बेटी है वो भी लांसडाउन में पोस्टेड है वो मेजर है आपकी शादी भी जो है छोटी उम्र <laughs> हाँ, हाँ, में होगी तो, तो <laughs> हाँ, तो मतलब बिल्कुल ही हाँ, वो बोलते ना कि हाँ, बिल्कुल ठोक कर मारने वाली बात घर के आदमी बोलते थे की भाई बड़ा होगा वकील बाड़का ने लाडला लाडला तो बेटा बड़ी बेटी कर दी तो दबा दिया कर दा तो उसको वो राम राम भी सारे भाई सारे भाइयों ने आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज दोस्तों फिलहाल यो मकान दिखा दू इस घर में बड़े बड़े अधिकारी हैं और दत्त लेके पुत तई सारे जो हैं फौज में और नेम प्लेट में दिखाऊंगा आप तई नेम प्लेट कैमरा मैन तई कहूँगा आगन आ जाओ ये देखो जो है प्रकाश राव ये वो इंसान हैं जो दिनोद की गौशाला में निस्वार्थ जो है गौवा की सेवा कर रहे हैं देख रेख कर रहे हैं और इनकी जो बड़ी बेटी है लेफ्टिनेंट है कर्नल पूनम यादव और उसके बाद है बेटा लेफ्टिनेंट कर्नल विकास यादव उसके बाद है छोटी बेटी मेजर प्रभा यादव ये देख लो मतलब सारे जो हैं अधिकारी हैं और भीतर चाल के जो है प्रकाश रावत है बात करवा और हमारा भी भाई सौभाग्य जो इस तरह का जो परिवार है इसमें जो है वीडियो बनाने का सौभाग्य जो है हमारे प्राप्त होया आज और जो प्रकाश राव हैं इंग्लिश भी बोल रहे हैं हैं और जो उनकी धर्मपत्नी है वो जो है अनपढ़ इंग्लिश समझ पाओ या नहीं किस तरह तय पूरे जो है बहुत बढ़िया जो है वीडियो बना रही है भाई और इस साइड बैठे हैं भाई दोनों तस्वीर या आप देख सको हो जो है इस घर को चार चांद लगाने वाले जो है प्रकाश राव और जो यो घर है ये आप देख सको हो ये देखो कितना पुराना जो है मकान है और तो जो है पहले जो है इनके पिताजी ने दादा ने बनाया वो है इसकी जो है देख रेख करके रंग पेंट करके जो है नया रख रखा है और अब बात करेंगे राम राम अंकल जी नमस्कार नमस्कार सुंदर धन्यवाद सुंदर आपका स्वागत है जी राम 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 बेटा आपका है? स्वागत है ठीक हाँ है चलो कुर्सी तो थोड़ी नजदीक कर लो हाँ। तो जोड़ी बताओ भाई किसी के लाग है एक नंबर की जोड़ी है, है? तो बता आ... दे तो अंकल जी गम में मन तो बेरा है कौन था मतलब बेटा भीर बेटे भी मतलब इस पोस्ट पर हैं एक बार आप खुद बताओ किस-कौन सी-कौन सी पोस्ट पर ऐसा है सुंदर अच्छा। कि अब जिक्र चल पड़ा है तो एक्चुअली हमारा परिवार है वो फौज से जुड़ा हुआ है मेरे पिताजी स्वर्गीय शिवलाल यादव थे वो भी सेना में रहे हां उसके बाद मैं उनका बेटा मैं सेना में रहा तो और हालांकि मेरे पिताजी भी जवान थे मैं भी जवान ही रहा हूँ पिताजी भी ओलदार से घर आ गए और मैं भी ओलदार से ही घर आया था और उसके बाद मैंने 18 पहले सेना में नौकरी की उसके बाद फिर मैंने जो है तेईस साल सिविल सर्विस की है अच्छा, सेंट्रल अच्छा, गवर्नमेंट की अच्छा, अच्छा। सेना के साथ ही बट वो एज ए सिविलियन की है बाद वाली तो कुल मैंने देखा जाए तो इकतालीस साल का लंबा जो है सफर मैंने भी सेना मतलब सेना को ही दिया है इकतालीस साल बहुत लंबा सफर होता कम नहीं है आ, हाँ तो मैं और पिताजी तो एक जवान क्योंकि ओलदार है वो जवान से ही बनता है अच्छा लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने मतलब जो है हमारे सपने पूरे किए क्या था जब मैं सेना में जवान से भर्ती हुआ तो मैंने मैं तो गांव का एक अल लड़सा लड़का था दसवीं दस पास किया और भैया कच्चा बनियान में अपने भर्ती में खड़े हुए हमें कोई मार्गदर्शन क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूँगा सुरेंद्र कि आपको कि हमने मेरे जो माता और पिता थे मैंने अपनी माता को देखा ही नहीं और पिताजी मैं छठी क्लास में था तब चल बस यानी दोनों हमें बहुत ही बचपन में छोड़ के चले गए अच्छा, अच्छा। तो हमें कोई ज्यादा जो मेरे ताऊ थे उन्होंने लालन पालन वगैरह किया ताऊ ताई ने बहुत अच्छा प्यार दिया उन्होंने लेकिन वो खुद बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे अच्छा। हालांकि मतलब उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से लेकिन क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे थे ही नहीं तो वो फिर वो पढ़ाई वाला मार्गदर्शन उनसे संभव भी नहीं था तो कोई मार्गदर्शन हमें ज्यादा मिला नहीं तो मैं जो है अठारह साल का होने से पहले ही फिर मैं सेना में भर्ती हो गया अच्छा। तो सुरेंद्र मैंने सेना में जाके सेना में मैं क्लर्क था अच्छा। जो ऑफिस में काम करते हाँ। तो वहां जाके मैंने देखा भाई कि हम तो गाँव के लड़के थे कि भारत तो दुनिया बहुत बड़ी है मतलब कुएं के मेंढक वाली बात थी हाँ। तो वहां मैं क्योंकि मैंने अफसरों को देखा कि यार तो बड़ा कमांड यार यानी मैं जब में भर्ती हुआ तो अफसर तो आपको देखने को ही कभी कभार मिलते थे अच्छा मैं आपको बताऊं हमारे कंपनी कमांडर थे वो कभी महीने में एक दो बार ही ये हमारे कंपनी कमांडर मेजर साहब यानी दिखाई देते थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे कमांडिंग ऑफिसर होते थे बटालियन के तो वो तो कभी सैनिक सम्मेलन जिसको सेना में दरबार कहा जाता है वो कभी लेते थे तभी एक महीने में तभी दिखाई देते थे अरे भैया स्टार लगे हैं तो फिर मैंने सोचा यार आ, क्योंकि मैं क्लर्क था तो बाद में जब मैं पाँच सात साल सर्विस हो गई तो मुझे पता चला कि सेना में अफसर भर्ती कैसे होते हैं तो फिर मैंने मैं, मेरे दिल में मतलब ये मैंने ठाना थोड़ा यार हम तो शायद मार्गदर्शन की वजह से ज्यादा मैं मैं सिर्फ मेट्रिकुलेट ही हूँ मैं, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं अच्छा अच्छा तो हम भाई ज्यादा पढ़ नहीं पाए किसी वजह से लेकिन हम ये जो कमी जो छूट गई तो ये हम बच्चों में पूरी करेंगे ये तो मैंने जी आपने जो है पास करी है लेकिन यह इंग्लिश बोलने को कराएगी सुंदर मैं एक चीज कहूंगा कि हालांकि मैंने दसवीं में, मेरे कोई ज्यादा नंबर भी नहीं है लेकिन हाँ ये है कि इंग्लिश मेरी छठी क्लास क्योंकि अपने यहाँ मैं गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ अपने गवर्नमेंट हाई स्कूल दिनों तो यहाँ जो है छठी से अंग्रेजी छठी हाँ, तो में, में, तो पड़ हाँ। तो में आया तो मैं इसका क्रेडिट अपने सवर के पिताजी को दूंगा कि वो अपने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने स्थापित की थी बहुत पहले इस गाँव में जो आजकल पुरानी हुई पड़ी है स्कूल के पास इसके वो निर्माता और संस्थापक थे तो उन्होंने गाँव में बहुत बढ़ाई की है आप कभी पूछोगे पुराने लोगों से तो बताएंगे उसका नाम ही चलता आज भी दूसरों के लिए जिया हमेशा तो जब मैं वो जब जिंदा थे तो मैं जब पांचवी छठी तक था तो वो मुझे बचपन से ही जब पहली दूसरी में था ए बी सी डी वगैरह ये मुझे सिखाते थे अच्छा कापी पे लिखवाते थे अपने फालतू समय में ना वहाँ धूप में बैठ के सोसाइटी में छोटे छोटे वर्ड मतलब बता देते ये है जैसे ए फॉर एप्पल फलाना दिमकड़ा ना तो जो बच्चे आठवीं मेरे पिताजी गुजरने से पहले मुझे इंग्लिश में तो इतना ही कर गए कि वो जैसे आठवीं तक मतलब शायद मुझे मतलब नहीं सीखना मिलता इतना कि वो इतना मुझे सिखा गए तो मैं छठी में पहुंचा तो मुझे इंग्लिश सबसे मुझे सरल इंग्लिश ही लगी अच्छा। क्योंकि जो मेरे पिताजी थे उन्होंने मुझे तैयार इतना कर दिया था तो फिर मैं इंग्लिश में ऐसा चला कि मैंने फिर मुड़के भी नहीं देखा उसके बाद क्योंकि मैं ये मेरा अहोभाग्य था सेना में भी मैं क्लर्क चला गया और सेना में सारा काम इंग्लिश में ही होता है और ए, ए, आप विश्वास करेंगे कि आर्मी क्लर्क ट्रेनिंग स्कूल औरंगाबाद और होता था हमारा जिसमें सेना के पूरे क्लर्क ट्रेनिंग करते थे वहाँ हम ढाई सौ रिक्रूट थे जिन्होंने जिन्होंने जो एक बैच में वहां ट्रेनिंग की वो पांच क्लासों में बढ़ जाते थे फिफ्टी फिफ्टी ईच क्लास में तो वहाँ उन ढाई में लास्ट में मैं उस को, कोर्स को टॉप करके आया था अच्छा हाँ ये मेरा सौभाग्य था कि मैं जो है अपने कोर्स उस कोर्स को मैं टॉप करके आया था ढाई सौ में जो मेरे मार्क थे फाइनली फाइनल एग्जाम में वो सबसे ज्यादा थे और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है ही पर्टिकुलर क्योंकि सेना में तो इंग्लिश में सारा काम होता है तो इंग्लिश में भी आ, आप विश्वास करोगे कि, कि डेढ़ सौ में से एक सौ बयालीस नंबर थे मेरी अच्छा तो इंग्लिश फिर ऐसी चली कि फिर मैंने मुड़ के कभी देखा नहीं और उसका असर ये हुआ बच्चों पे भी हुआ उसका असर बच्चे भी हमारे क्योंकि वो मेरे सानिध्य में पढ़े साथ पढ़े तो उनकी जो है शुरू रूसी स्ट्रॉन्ग रही है सभी की और शायद उनको ये मदद मिली कि आज वो सारे सेना में अधिकारी जी जी अच्छा कहाँ कहाँ अधिकारी हैं और किस पोस्ट में एक बार बताओ आ, बड़ी बेटी लेफ्टिनेंट कर्नल है वो इस टाइम मिलिट्री हॉस्पिटल लांस डाउन जी और बेटा है वो लेफ्टिनेंट कर्नल है एंड uh, वो अभी जो है जनरल स्टाफ अफसर ग्रेड वन है एटी इन्फेंट्री ब्रिगेड में uh, अखनूर में uh, जे एंड के में जम्मू कश्मीर में छोटी uh, बेटी है वो भी लांस डाउन में पोस्टेड है वो मेजर है और भाई यह वीडियो सही चल नहीं सही लोग कम देखें लेकिन इस वीडियो ने बड़े बड़े अधिकारी देखेंगे भाई यह गारंटी है और जो इनकी लड़की हैं उनके जो आपके जो दामाद दामाद है। हाँ तो एक बार उनके बारे में बताओगे जो हमारे बड़े दामाद हैं वो कर्नल राघवेंद्र कुमार जी। वो जो है वर्तमान में वो कमांडिंग ऑफिसर हैं सी हैं अपनी यूनिट के और इस समय वो अपनी यूनिट को जो है ग्लेशियर में जो कि सबसे हाइएस्ट जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है नहीं। ग्लेशियर नहीं। जहां मतलब -50 तक चला जाता है और बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है वो ऐसी दुर्गम जगह पे वो अपनी पलटन को इसमें कमांड कर रहे हैं और उनसे छोटे जो दामाद हैं, वो अपने इसमें वो भी ऑफिसर हैं अपने कस्टम एंड एक्साइज में और जो हमारी बहू है वो भी पी जी है पोस्ट ग्रेजुएट है अच्छा हाँ पोस्ट ग्रेजुएट है लेकिन अच्छी हाउसवाइफ है वो बिल्कुल तो इस वीडियो इस वीडियो का बनाने का यो है मकसद है भाई कि दिनोद गाँव में भी मतलब इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं और वो भी लड़कियाँ मन तो बेरा है कौन था मुलाकात तो काफ़ी बार हुई राव साहब थे लेकिन नू कौन बेरा था कि इनकी बेटी और बेटे मतलब इतने इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं कदे मौका मिला तो उन तभी जो है जरूर मिलवावांगे हैं तो राव साहब आपकी शादी भी जो है छोटी उम्र में होगी थी इसके बारे में थोड़ा बताओ हाँ सुंदर एक्चुअली शादी तो जो है मेरी बारह तेरह साल की उम्र में ही हो गई थी अच्छा। मैंने आपको अभी बताया भी था कि बचपन में ही हमने अपने पेरेंट्स को खो दिया था तो फिर हम दो भाई हैं एक मुझे बड़ा है मिस्टर उमेध राव तो फिर हमारे जो चाचा ताऊ जिन्होंने लालन पालन किया हाँ। वो भी आज इस दुनिया में नहीं है जी। तो वो फिर वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने सोचा भाई भाई का घर बंद हो गया तो जल्दी शादी कर दें तो घर खुल जाएगा तो, तो उस वजह से जो है कि बहुए आएंगी तो घर खुल जाएगा तो इस वजह से हम दोनों भाइयों की शादी इकट्ठी कर दी गई और जो मेरी मिसिज है वो भी दोनों बहने आंटी तो बात कर ले आंटी राम राम ठीक सो हाँ ठीक तो फौजी वो है हाँ। वो थोड़ा हाथ सख्त है सक्त। हैं? तो अंकल जी हैं सख्त? <laughs> बहुत सख्त <सकते>। अच्छा <laughs> <laughs> बहुत सख्त है बेटा हाँ। इसका नियमा पर उस पर चाल लगा ना हाँ। बहुत सख्त है अच्छा हाँ। मतलब सब करड़ा मतलब के वो था कि भाई इस तो मैं परेशान आ ली यो बार बार ऑर्डर करने लग रहे हैं। ना बेटा परेशान तो क्या ना ना परेशान तो आप जो बता रहे थे कि आप पढ़े लिखे नहीं इतने तो अंकल जी तो इंग्लिश भी बोल रहे तो समझ समझ लियो लियो आगे अच्छा, हाँ। वो, वो अच्छा, हाँ। अच्छा। यो यो जब उल्टा बोलती भाई या भी खूब बन होगी क्योंकि देखो एक पति अपनी पत्नी ने धमकाओ है ना तो जिस तरह भाई कई बार गुस्सा में गाली भी दे दे तो भाई अंकल जी जो है गाड़ी देंदे होंगे ना इंग्लिश में देंदे होंगे आंटी हाँ। ने समझ मां के बेरन को नहीं आ जा है <laughs> आ जा समझ में अच्छा <laughs> यो नॉनसेंस ब्लड इडियट ये बोलया हाँ। कर देख लो भाई <laughs> <laughs> यो बोलया कर अच्छा, बेटा हां अच्छा। इस तो फालतू और गाली को अच्छा। <laughs> हां चलो अच्छा ईब जो है परिवार हस्ता खेलता मतलब खुश हो जाओ हाँ बेटा बहुत खुश बहुत खुश भगवान की कृपा है ऊपर वाला की भगवान ने ऐसे बना ही बनाई रखना सात जन्माते ये पति हाँ, मिला ये मैं तो आज जोड़ मन <laughs> <laughs> यो है लड़ो मिलना चाहिए यो है चाहिए मन है क्या करना है पत्नी के लिए नहीं अच्छी एक अच्छी हाउसवाइफ है और मैं तो ये कहूँगा कि जो ये आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं भगवान की दया से तो उसमें इनका जो है इनका हाथ सबसे ज्यादा है ये हाँ मैं तो सेना में चला गया बाद में खर यही मेरे साथ, साथ रही है सेना, रही सेना में हाँ। बट इन्होंने घर को चलाया और बच्चों को देखो बच्चों को मां समा पिता बच्चों के जो है साथ इतना नहीं रह पाता जितनी मारती है तो ये इसका लालन पालन इसका प्यार और जो है इसने उनको अच्छी तरह देखभाल की अच्छे अच्छे भोजन खिलाए आ, तो, तो उस वजह तो से और उस वजह से ये बच्चे आज मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका योगदान को मतलब कम नहीं आका जा सकता दूसरा क्योंकि मैं सेना में था तो देखो जब आप सेना में तो कई बार आप फील्ड में भी चले जाते हो जहाँ जहाँ मतलब परिवार रखने का मतलब बंदोबस्त नहीं होता है नहीं, क्योंकि सेना की कुछ जैसे आप बॉर्डर एरिया में चले गए तो वहाँ जो है परिवार आप नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ क्वार्टर नहीं होते हैं नहीं, क्योंकि वहाँ जो परिस्थितियां होती हैं वो इस टाइप की होती है क्योंकि वो, वो सीधा युद्ध होते होता है तो वहाँ परिवार ले जाना मतलब रिस्की हो जाता है तो उस स्थिति में जब ऐसे भी वाक्य हुए कि मैं दूर चला गया तो इसने बेचारी ने दुख सुख पा के अकेले भी बच्चों को संभाला तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे ज्यादा योगदान इनका है जी तो आज बच्चे आ, मतलब इस पोस्ट पर हैं हाँ। है अधिकारी हैं जी तो आ, आपने किस तरह मेंटेन मतलब किस तरह तक पढ़ाया के शिक्षा दी दे हाँ। सुंदर देखो ऐसा है यदि कोई कहे हमारे पास कोई ज्यादा मतलब जो है स्रोत या साधन इतने नहीं थे थोड़ी खेती थी और ऐसा कुछ ज्यादा हमारे पास ऐसा नहीं था कि भाई हमने कोई बच्चों को कोई टॉप स्कूलों में पढ़ा दिया ये कर दिया आप यकीन करिए जो मेरी बड़ी बेटी है उसने दसवीं अपनी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से दसवीं पास चारी की चारी है उस लड़की ने, हाँ। ने और उसके बाद उसने फिर ट्वेल्थ की है अपना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो अपने घंटाघर के पास है ना गवर्नमेंट स्कूल हाँ। हाँ। उससे उसके बाद उसने से उसके बाद वो महर्षिद आनंद यूनिवर्सिटी में अपनी जो है फार्मेसी में डिग्री करने चली गई और इन द मेन टाइम उस वो कोशिश करती रही उसका सिलेक्शन आर्मी में हो गया फिर उसके बाद जो बेटा था ये हाँ ये है कि इस इस बात को मैं स्वीकार करूंगा कि बेटियों की अपेक्षा बेटे पे हमने थोड़ा पढ़ाई पे भी ज्यादा पैसा लगाया हालांकि अच्छा। बेटी कम नहीं रही बेटे को भी जो है ऐसा नहीं है कि बेटा ही ज्यादा आगे निकल गया हाँ बेटे पे हमने ज्यादा खर्चा लगाया उसको हमने बाहर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने भेजा तो और वहां से वो बारहवीं करके आया उसके बारहवीं करने के बाद फिर उसने एनडीए ज्वाइन किया उसने हमारे सपना पूरा किया जो हमारा सपना था हम लेके हम चल रहे थे एम कि लड़के को एन ज्वाइन कराएंगे लड़कियों का तो ये संयोग है लड़कियों को अवसर बनाने का नहीं सोचा था तो पास करते लेकिन लड़के को लेकर चले थे इसको अधिकारी बनाएंगे सेना में और जो है ज्वाइन कराएंगे तो लड़के ने एनडीए ज्वाइन किया बारहवीं पास करते ही और वो जो है उसने एनडीए का भी हालांकि कोई प्रिपरेशन नहीं किया था ये इसने मतलब एनडीए में दो तीन अटैम्प्ट में बच्चे कर पाते हैं तीन चार अटैम्प्ट भी हो जाते हैं लेकिन प्राउड कि मैं बहुत गर्व से कह रहा हूँ कि उसने पहले झटके में किया सब कुछ रिटर्न टेस्ट सेवा आयोग जो परीक्षा आयोजित करती है एनडी की वो भी पहले झटके में पास की और जो उससे भी क्रूशियल आप ना मतलब शिक्षा के दिन मतलब किस तरह टॉप कर हाँ के नहीं नहीं हाँ मा, मैंने बिल्कुल ही उनको ये शिक्षा दी कि भाई देखो आपको मेहनत करनी है और मेहनत का कोई शानी नहीं यदि आप मेहनत करते हैं तो एक अंग्रेजी में बोलते हैं, वर्क हार्ड, देन स्काई लिमिट। बोलते हैं आप मेहनत करते हो तो फिर आसमान भी आपकी हद नहीं हो सकती नहीं। तो हमने वही उनको शिक्षा दी कि मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है नहीं। कि मतलब अपने देशी भाषा में कि दुड़की लागड़ वाली बात नहीं है आप मेहनत करोगे कोई आपको जो है पीछे नहीं छोड़ सकता आप सबसे आगे जाओगे और वही वह बच्चों ने मेहनत की एंड आज वो इस स्टेज पे पहुंचे हैं हाँ मैंने उनको मोटिवेट हमेशा किया जी। अब मैंने उनको ये ऐसे वास्ते दिया यार हम गरीब परिवार से हैं हमारे पास ज्यादा स्रोत नहीं है नहीं। मैं बोला यार मेरे को खुद पछतावा है कि मेरे दिल में भी अधिकारी बनने के लिए वो था नहीं। नहीं। लेकिन मैं बोला वो कुछ मजबूरिया रही हालात ऐसे रहे हम नहीं कर पाए तो यार वो सपने हम आपके अंदर से पूरे करना चाहते है तो शायद बच्चों ने भी इस चीज़ को समझा जो बड़ी बेटी वह कौन से सा साल में जो है नौकरी लगी थी वो गई है 2003 में 2003 2003 में, में कमीशन हुई है वो 2003 में यानी लेफ्टिनेंट बन गई थी हम्म हम्म जी तो आ, उस टाइम तो मतलब लड़कियाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था हाँ सुंदर अब थोड़ा हाँ है कि लड़कियों बाहर जाती हाँ तो मतलब किस तरह की बात सुनने कुछ तन्ने वगैरह भी लगे भाई हाँ, सुंदर ये बात तो आपने मतलब बिल्कुल ही हाँ, वो बोलते ना कि हाँ। बिल्कुल के नीचे ठोक कर मारने वाली बात पूछ ली हाँ। वाकई मैं जब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था हाँ। मैं अपनी वाइफ को और बच्चों को बाहर लेके गया तो पता मुझे खुद मेरे परिवार के पड़ोसी हमारे घर के आदमी बोलते थे कि भाई होगा वकील बाड़कन है बोले यो वकील बना होगा वो और भाई वो वकील से ही बड़े वकील बन गया आज पड़े तो वो बात वो मान गए हाँ यार ये तो नतीजे आए तो दूसरा जो है कि जब आप ला लो, जब 2000 कमीशन में जो बच्ची 2003 में जो बच्ची कमीशन हुई है यानी सेना में था हालांकि वो चली गई थी 2000 में तो फिर वो ट्रेनिंग हुई उसकी पहले ग्रेजुएशन की उसने आ, मैं सुंदर बचाना चाहूँगा कि हमारे तीनों ही बच्चे बारहवीं पास कर गए हैं और ग्रेजुएशन तीनों ही सेना से ग्रेजुएट हुए हैं हमने बारह ही पढ़ाया उनको कोई ये कहे ना हमने ज़्यादा कोई तीर नहीं मारा बारह बारह ही पढ़ाया था ग्रेजुएट ग्रेजुएशन वहाँ से किए और अभी तीनों बल्कि ग्रेजुएट क्या पोस्ट ग्रेजुएट है अभी तीनों ठीक है तो उस समय आप लाल दो हजार में से मतलब कमीशन लेना एक गाँव की लड़की का ये बहुत जबकि गाँव में तो लड़कियों को उस समय तो पढ़ा मतलब पढ़ाने के लिए सोचना भी एक बड़ी बात थी दिल्कुल, दिल्कुल। क्योंकि यहाँ दसवीं का स्कूल था हमारे गांव में बारहवीं का भी उस समय नहीं था तो भैया बार और साइंस साइड हमने पढ़ानी थी नहीं। तो यहाँ साइंस भी नहीं था नहीं। तो उसके बाद लड़कियों को बाहर भेजना बड़ा उस समय अच्छा नहीं मानते थे कि नहीं यहाँ लड़की बुला बल्कि मेरे ऊपर तो दबाव था आप शादी करिए लड़की की फटाफट समझ गए तेरी आंटी ने तो उसके लिए टोकनी टाकनी भी खरीद रखी थी ताक अच्छा। पे आज भी हमारे धरी है बल्कि छोटे बर्तन इकट्ठे करना ना देंगे छोरी ने हाँ। ये तो शादी की तैयारी कर रहे थे उसकी देख लो तो लेकिन देखो टर्निंग पॉइंट कैसे आया और क्या हुआ ठीक है ना तो ये है ज्यादा मौत है

इतनी बड़ी बड़ी नौकरी लाग रहे हैं अधिकारी हैं, तो इसलिए जो है भाई जो गौशाला में जो है रुपये नहीं लेंदे नहीं भाई जिसका चाहिए लाखों रुपये करोड़ आदे हो लेकिन जब मन डिग जाए ना, तो वो भी ले ले है या मन की बात हो जाए, है आ, लोग ये भी कहेंगे कि जो है रुपये इसे नहीं, ले, नहीं भाई प्रकाश राव तो क्या कहना है इस बारे में ए सुंदर ये तो मैं पंचायत के बीच में गांव इकट्ठा आया था उधर भी कई थी भाई देखो मैं गौशाला में करूँगा तो मैं तो एक सेवा भाव से करूँगा फ्री सर्विस uh, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक कारण ये भी है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से मतलब जो है थोड़ी अभी हम संपन्न हो चल चले हैं तो फिर वहाँ की फिर गौशाला का लेना मतलब मैं उचित नहीं समझ रहा था कि हम सेवा भाव से फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट सर्विस में वहाँ से कुछ लेता नहीं बल्कि कुछ न कुछ देता हूँ लेता नहीं हूँ दूसरा उसके कारण ये था कि मैं खुद ही तीन पेंशन ले रहा हूँ कि दो तो मैं सेना की पेंशन ले रहा हूँ एक बाद में सिविल सर्विस की थी यानी तीनों पेंशन मिला के करीब अस्सी पचासी हजार तो पेंशन ही ले रहा हूँ मैं तो मुझे तो भगवान ने इतना दिया है तो फिर मैंने सोचा यार जो बाकी थोड़ा जीवन है ये सेवा में भी लगाते हैं बाहर तो मैं इकतालीस साल नौकरी करके आ गया था पैसे ही तो कमा रहे थे भाई पैसे ही तो कमाने गए थे नौकरी के लिए और क्या था और अब भगवान की दया से गवर्नमेंट हमें अच्छी खासी पेंशन भी दे रही है तो मैं कहा नहीं 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 फिर दस पंद्रह हजार गौशाला के हम ले भी लेंगे तो कोई बड़े बनने वाले नहीं है बिल्कुल हम जो है फ्री फ्री में ये सेवा हो से फ्री में काम करेंगे और हाँ मैंने उनसे पूछा था बच्चों से ही पूछा बच्चे छोड़ो डैडी नुलाओ वैसे ही आप सेवा दे दी दे सकते ते हो तो तो उन्होंने भी आएगा। जी। ओप कैमरा जब आपने बताया कि जब बार नागा गां आ जाया कर दी तो दबा दिया कर दा। <laughs> सारी गाल हाँ। सारे की कहानी है। हाँ। नहीं नहीं, नहीं सुंदर देखो ये सच्चाई और स्वीकार सच्चाई स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज हाँ, नहीं है। किस तरह बताओ? कि एक्चुअली मैं गौशाला में जाने से पहले हमारे में रोटी राटी लेने घूमती है तो मैं इनको बोलता था खराब कर देगी, यार, गा, श्यामी कर देगी ये वो तो रियली मेरे को मतलब जो है एलर्जी से थी अच्छा। तो अब एक सही हो कि भगवान ने चलो भाई मेरा मन पलटा और ये मुझे एक सेवा का मौका शायद मतलब ये ला लो कि भाई और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे को तो गांव गाय का दूध भी अच्छा नहीं लगता था उसमें एक ना वो थोड़ा सा पीड़े में मेरे को अजीब लगता था हाँ हा। तो मैं तो चाय भी नहीं पीता था गाय के दूध की ये भी कोई बड़ा रिश्तेदारी में चले गए उनको पता नहीं ना तो मैं तो एक घूट लेके रख दिया करता अच्छा। अरे यार गाँव के दूध की भैंस का दूध को नहीं कहता ये पूछा करता लेकिन चलो अब मैं गौशाला में जाऊँ भैंस का दूध गांव के दूध हम पीवा भी खुद खरीद के भी ले लिया एक किलो मैं एक दूध भी वहां से मैं एक किलो लेता हूँ खरीदता हूँ पैसे देता हूँ गौशाला को और वहाँ जाते हैं तो चाय चुई बनती है चाय अभी चाय को भी एंजॉय करते हैं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो लेकिन मैं भगवान का शुक्र गुजार हूँ वो सुंदर ऐसा है की मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी सेना मुख्यालय में तो हम क्वार्टर में रहा करते तो वहाँ हमारा नीचे ही था क्वार्टर नीचे वाला तो वहाँ एक गाय जो है अक्सर आ करती तो मैं जो है उसको एक दिन डंडा दिन लेके भगा रहा था वो गोबर गाबर कर जाती थी तो जो है एक दिन वो छोटी बेटी ने देख लिया जब वो मुश्किल से पाँच छह साल की छः एक साल की थी तो वो मेरे को बोली डैडी आप क्या नुम गाय को आप डंडा मारते हो आपको पता नहीं गाय हमारी माता है अच्छा मैं भाई ठीक है थोड़ी देर बाद एक दूसरी गाय आई और उसने हमारे घर के सामने बिल्कुल घर के सामने तो मैं बोला भाई प्रभा मैं है प्रभा बा बाहर आ मैं मा तेरे माता जी ने गोबर कर दिया भी ये उठा अब माता मानती है तुम्हारा इसको तो थोड़ा ये है कि वो ये ऐसे ऐसी ऐसी चीजें भी हुई तो, हैं ये तो आ, गा, तो भैया उसको गाय को तो आ, आ, भी भी आ गया था गा, गा, को वो भी आ गया तेरा ऐसा होता था किसी ने भी नहीं छोड़ता भैया किसी ने भी कहा बिना तो मैं, मैं इसको बोलती मैं क्या बोल रहे हो आप और ये लड़की बोलती है ना ये मामारी तो माता है तो बोले अभी उठाओगे गोबर अरे तो भाई भगवान की कृपाता है वो यहा है नाम तेरा अंकल सब बदल गया हाँ, हाँ। मैं तो बहुत ही वो अचंबा मानू बहुत अचंबा मानू मैं तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद ओके okay, सुंदर थैंक यू सो मच आपके भी हम बहुत बहुत शुक्रकार ऐसे ही आप जो है इंटरव्यू करते रहिए और अच्छी अच्छी जो है लोगों के पर, के बारे में और हाँ। जो अच्छी अच्छी प्लेसेस के बारे में सूचना देते रहिए धन्यवाद रही धन्यवाद आप तो भाई इस पूरी वीडियो ने लेके कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर दियो राम राम सारे भाइय ने जय हिंद जय भारत